I'm from France. My father is a baker. This is better. जिला नगर में रकापोशी के दामन में चेरी फेस्टिवल सजा तो रंगीन फलों के साथ लोगों ने खूबसूरत वादी का मौसम भी खूब इंजॉय किया। खूबसूरत वादी नगर और रकापोशी के दामन में दो रोज तक चेरी का मेला लगा। देखने में जितना खूबसूरत, खाने में उतना ही मजेदार। चेरी के साथ स्ट्रॉबेरी ने भी खूब रंग जमा दिए, तो क्या बात है। नगर के ड्राई फ्रूट और ताज़ा फलों के जोश और जाम की, लेकिन छोटे बच्चों ने मेले के रंग को दुबाला करने में के लिए इलाकाई रक्स भी खूब पेश किया। गिलगित बल्तिस्तान की एक यूनिकनेस है, वो यूनिकनेस ये है कि यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो उससे ऐसे ऐसे फूड प्रोडक्ट्स जिसमें हॉर्टिकल्चर है, वेजिटेबल है, सीरियल है, वो ऐसे प्रोड्यूस होते हैं कि जिसकी मेडिसिनल वैल्यू और साथ साथ जो है ना उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू दोनों बहुत हाई है। तो ये सारी हमारी एक काविश है जिसमें इन चीज़ों को आगे प्रमोट करना। यहाँ पे आपको पता है कि हर साल जो है ना वो टूरिस्ट की तादाद बेतहाशा बढ़ रही है, और इनके ज़रिए जो है ना लोगों की लाइवलीहुड को बेहतर बनाने में ये हमारी काविश है। मैं हम चाह रहे थे कि इस तरह के फेस्टिवल्स का इनेकाद करें ताकि लोगों को भी आगाही, और मुल्क के दूसरे इलाकों से जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको भी इस हवाले से आगाही हो, और यहाँ के लोगों की जो काविशें हैं उनको हम किसी तरह से प्रमोट कर सकें और इन के लिए भी हम एक हेल्पिंग हैंड हों। मकामी रिवायती खाने और ख़वातीन के हाथ से बने दस्तकारी भी इस मेले में सजाए गए थे। जिसमें मकामी लोगों के अलावा सियाहों ने खूब दिलचस्पी ली। Today I was coming from Gilgit to Karimabad and I saw on the road there's the first cherry festival, so I was like, okay, I'm not going to have lunch yet. I'm going to wait for the cherry festival to check it out because there's some amazing cakes here. They are so good. And I'm from France. My father is a baker. This is better. This is a lot better than the one I had in France. So this place is good. You have a lot of handicraft. Unfortunately, the weather is not perfect today, but otherwise, the place is incredible. The road, the views, everything is just gorgeous here. Cherry festival ek bahana tha, lekin is festival se agri tourism ko farogh dena tha. इस फेस्टिवल के थ्रू ख़वातीन जो है अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर सकते हैं, और मज़ीद जो है उनके जो पब्लिसिटी होती है, उन्होंने जो ऑलरेडी बनाया है उसको देखते हुए न्यू ऑर्डर्स आ सकते हैं, जिसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। इस मेले के सज जाने से मकामी किसान की मार्केट तक रसाई में आसानी पैदा होगी। आज ये फेस्टिवल जो हमने रखा है इसका मकसद भी यही है कि जो नगर के अंदर जो टूरिज्म का पोटेंशियल है उसको हम शोकेस कर लें। देखें, टूरिज्म जो है उसमें मैं अगर नगर की बात कर लूँ तो क्लाइमेट की अगर हम बात कर लें, आप अभी भी इधर देख रहे होंगे कि कुछ लोगों ने जैकेट्स पहनी हैं, कुछ टी शर्ट्स में, तो मौसम का जो स्विंग होता है अभी ना धूप जो ही आपको जो ना जब हट जाएगी तो फौरन ठंड। जो हमने आज ये जो चेरी फेस्टिवल किया है इसमें हमने ये बताना था कि नगर में जो एग्रो टूरिज्म का एक पोटेंशियल है वो हम दिखा दें। यहाँ पे जितनी स्टॉल्स लगे हुए हैं आपने देखा कि जितने हमारे पास यहाँ पे हर्बल प्लांट्स हैं, जितने हमारे पास फ्रूट प्लांट्स हैं, जितने हमारे पास फिर जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, वो मेरे ख्याल में टूरिस्ट को बताना भी है। और फिर एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि यहाँ पर आपको बहुत जो है ना सस्ती कीमत पे आपको चीज़ें मिलेंगी, वो एकोमोडेशन हो, वो यहाँ पे फूड प्रोडक्ट्स हों, यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स हों। डेडिकेटेड पाकिस्तान के लिए मंजर शिगरी, जिला नगर।